हेलो एवरीवन, दिस इज नीलेश कुमार गुप्ता एंड यू आर वाचिंग एनजी फिजिक्स क्लासेस। शुरुआत करते हैं हम लोग। पिछले टर्न पे हम लोगों ने सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल पढ़ा था। आज हम लोग उसी कड़ी में बेटा आगे बढ़ेंगे और आज हम लोग जानेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल क्या होता है। क्लियर? ओके। कल आप लोगों ने सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल पढ़ा था। मैंने अभी दो मिनट पहले पढ़ने के लिए भी बोला था आप लोगों से, राइट? क्लियर? और आप सब ने पढ़ भी लिया होगा। है कोई माइकल लाल जो मुझे ये बता सके कि सीरीज कॉम्बिनेशन यूजफुल कब होता है? व्हेन द सीरीज कॉम्बिनेशन विल बी यूजफुल टू यू? व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वेरी मच ग्रेटर देन इंटरनल रेजिस्टेंस या वेरी मच लेसर देन इंटरनल रेजिस्टेंस? ना ना अवदेश, नहीं, वेरी मच ग्रेटर देन इंटरनल रेजिस्टेंस। जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत ज़्यादा होती है तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? ये सब बातें बता चुका था मैं कल तक। आज हम लोग उसी कड़ी में आगे बढ़ने जा रहे हैं। आज हम लोग देखेंगे बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। कौन सा सेल? पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तैयार हैं हम सब लोग? अच्छा, इससे पहले कि मैं आप लोगों को पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल बताऊं बेटा, आपको याद है मैंने सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ाए थे आपको? याद है सभी को? तो जब मैंने ये पढ़ाए थे आपको तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में जब आर 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 ओम के एन रेजिस्टेंस को पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आता है वो आर वाई एन आता है। पिछली क्लास में भी मैंने बताया था, है ना? और अगर एन की बजाय एम रेजिस्टेंस जुड़े होते तो इसको मैं आर वाई एम लिख देता। बोलो भैया, सही बोल रहा हूँ ना? क्या लिख देता? आर वाई एम। एन होते तो आर वाई एन, एम होता तो आर वाई एम। ठीक है, तो चलो देखते हैं हम लोग आगे की कहानी क्या थी। देखो भैया, ये एक सेल है, ठीक है? इस सेल का ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। ये दूसरा सेल है, इसका भी ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। सुन पा रहे हैं ना आप लोग मेरी आवाज़ को प्रॉपर? क्लियर? ऐसा करके बेटा मैंने कितने सेल जोड़े हैं? एम सेल जोड़े हैं। कितने सेल जोड़े? एम सेल। ये सारे के सारे जो सेल हैं दे ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। सही बोल रहा हूँ? कैसे जुड़े हुए हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हैं। अब फाइनली इससे उठा के मैंने यहाँ पर ये क्या जोड़ दिया? अब सेलों से करंट बहेगा। करंट का क्या करेंगे? कूलर जलाएंगे, पंखा चलाएंगे, टीवी चलाएंगे, आग लगाएंगे। बोलो भैया, ये कूलर, ये पंखा, ये टीवी, ये आग, ये सब क्या है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस तो ये मैंने बढ़िया चक फर्स्ट क्लास का बनाया। दो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। कुछ लोग इस सर्किट में की भी लगा देते हैं। लगानी है लगा दो, ना लगानी तो ऐसी कोई टेंशन वाली बात ना। नहीं, सीन क्लियर है? तो ये मैंने सेलों का कौन सा कॉम्बिनेशन बनाया है बेटा? सीरीज या पैरेलल? पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाया है। वेरी गुड। क्लियर? तो चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग इसे। मैंने पढ़ा था बचपन में करंट का फॉर्मूला, मैंने सुना था बचपन में आई बराबर होता है, आई बराबर टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। बोलो भैया, एग्री करते हो आप लोग इस बात से? करंट का फॉर्मूला होता है टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। गौर से देखिएगा सभी लोग, टोटल ईएमएफ। अब मुझे दिख रहा है कि ये सबके सब पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं। कौन से कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं बेटा? पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं। और मैं ये जानता हूँ कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर जगह वोल्टेज सेम रहता है। याद है पहले पढ़ाया था मैंने P फॉर पैरेलल, P फॉर पोटेंशियल, है ना? तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर जगह वोल्टेज सेम रहता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे वोल्टेज वही है जो ईएमएफ है। ईएमएफ और वोल्टेज एक ही बात है, तो टोटल ईएमएफ मैंने लिख दिया E। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा सभी को। अब इसके बाद अगला है टोटल रेजिस्टेंस। कह रहे टोटल रेजिस्टेंस बताओ। तो कल मैंने जब सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ाया था तो मैंने बताया था
टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस, है ना कृष्णा, यही कहना चाहते थे ना, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यहां पर हो गया आर प्लस, अब मुझे चाहिए इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस यहां पर स्मॉल आर, ऐसे एम सेल जुड़े हैं तो आर 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 एम बार है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा आर बाई एम, बोलो भैया आर बाई एम, क्लियर है बात, समझ में आई आर बाई एम क्यों लिख रहा हूं, सीन क्लियर है सभी को बेटा, ओके तो ये मैंने लिखा आर बाई एम, उम्मीद करता हूं यहां तक सभी को क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ नहीं करना, केवल सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है, तो आई बराबर ई अपॉन, जहां मैं बटे में कचुना ने तो एक मान लो, एलसीएम कितना आ जाएगा एम, तो ऊपर क्या बच जाएगा एम आर प्लस आर, बोलो भैया काउए को परेशानी हो तो बताए ना, ने जी एम कहाँ पहुंच जाओ ऊपर, तो I बराबर त्याई आ जाएगी एम ई अपॉन एम आर प्लस आर, बोलो भैया यहाँ तक आप लोगों को बात पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी, पहले तो मुझे ये बताओ, आगे की बात तो बात की है, बोलो भैया कितनी बात समझ में आ गई सभी को, क्लियर है तो आगे बढ़ जाऊँ फिर मैं, अगर ये बात क्लियर है तो बोलो आगे बढ़ो, अच्छी बात है, अगर यहाँ तक बात आप लोगों को क्लियर हो गई है बेटा तो अगली बात पे आता हूँ, ध्यान से सुनेंगे, फिर वही कल जैसी दो कंडीशंस लग जाएंगी, है ना, वैसे तो ये फॉर्मूला आ गया, फॉर्मूला इनको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेन फॉर्मूला तो ये हो गया आपका, है ना, इसी से ही सारे काम होते हैं, बाकी का कल की तरह दो कंडीशन फिर लगेंगी, पहली कंडीशन जब एम आर बहुत बड़ा है आर से, दूसरी कंडीशन एम आर बहुत छोटा है आर से, कहानी समझ में आ रही है भैया, तो सबसे पहले ये देखते हैं एम आर बहुत बड़ा है आर से, तो ऐसी सिचुएशन में नेग्लिजिबल कौन हो गया, एम आर या आर, क्या नेग्लिजिबल हो गया, हाँ आर नेग्लिजिबल हो गया, तो यहाँ क्या लिखेंगे आई बराबर एम ई अपॉन एम ई अपॉन एम आर, एम से एम कट जाएगा, बोलो कट जाएगा नहीं कट जाएगा, तो आई बराबर हमें मिला बेटा ई अपॉन आर, ई अपॉन आर क्या हो गया वही वी अपॉन आर, वी अपॉन आर बोले तो करंट, तो यानी यहाँ पर हमें जो करंट मिला दैट इज करंट ऑब्टेन्ड फ्रॉम वन शेल, बात समझ में आ रही है सभी को, करंट ऑब्टेन्ड फ्रॉम वन शेल, अब इधर आते हैं आई बराबर, ठीक है एम ई अपॉन, अब इधर आ जाओ, यहाँ पर बोल रहा है एम आर बहुत छोटा है स्मॉल आर से, ये चीज़ बहुत छोटी है तो इसको नेग्लिजिबल मान लेंगे, तो एम आर की जगह जीरो चिपका दूँ तो क्या बचेगा, केवल आर बचेगा बेटा, बोलो भैया, तो इसको ऐसे लिखूँ आई बराबर एम इंटू ई अपॉन आर, बोलो भैया सही जा रहा हूँ, तो I बराबर M इंटू ई अपॉन आर, बोले तो V अपॉन आर, और V अपॉन आर होता है I, तो इसको मैंने लिखा करंट ऑब्टेन फ्रॉम वन शेल, कहानी समझ में आई भैया, बोलो अब आप मुझे इशारा करके बताओ ये वाली कंडीशन यूजफुल है या ये वाली कंडीशन यूजफुल है, ब्रजपाल क्या कर रहे हो, ये क्यों यूजफुल होगी, यहाँ पर जो करंट मिल रहा है वो एक सेल के बराबर करंट मिल रहा है और यहाँ जो करंट मिल रहा है वो एम टाइम्स मिल रहा है, भाई अगर मैं एम सेल लगा रहा हूँ तो मुझे एम गुना करंट भी तो मिलना चाहिए, एम गुना करंट मिल रहा है तो कंडीशन यूजफुल है और एम गुना करंट नहीं मिले तो कंडीशन यूजफुल नहीं है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को, बोलो भैया, तो चूंकि यहाँ पर एम टाइम्स करंट मिल रहा है इस वजह से ये जो कंडीशन है बेटा, ये वाली जो कंडीशन है दैट इज अ यूजफुल कंडीशन, लेकिन यहाँ पर जो करंट मिल रहा है वो एक सेल के बराबर करंट मिल रहा है, इसलिए दिस कंडीशन इज नॉट यूजफुल, अरे भाई सीधी सी बात है,
यहाँ पर मुझे एक सेल के बराबर करंट मिल रहा है, तो भैया मैं एम सेलों को लगाऊंगा क्यों, एक ही सेल लगा दूंगा, बोलो। अगर एम सेल लगाने से मुझे एम गुना करंट मिले तो एम सेल लगाने का फायदा है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पर करंट मुझे एम टाइम्स मिल रहा है, इसलिए दिस कंडीशन इज यूजफुल। क्या मैं उम्मीद करूँ आप लोगों को बात समझ में आई, ब्रजपाल क्लियर हुआ बेटा? ओके चलो ठीक है, अगर ये बात समझ में आई तो थोड़ा फोकस करना सब लोग। आपको याद है कल आपने सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ा था, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में मैंने बताया था जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत बड़ी होती है इंटरनल रेजिस्टेंस से, तब वो यूजफुल था। इसमें उल्टा हो रहा है, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत छोटी होगी तब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन यूजफुल होगा। कहानी समझ में आई? पैरेलल कॉम्बिनेशन कब यूजफुल होता है? जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत छोटी हो। क्या मैं उम्मीद करूं हम लोग समझ गए बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल? अच्छा, इसमें खास बात देखो, फिगर में जो लैंग्वेज लिखी है, लैंग्वेज पे ज़्यादा स्ट्रेस देने की ज़रूरत नहीं है, पर मेरा ये मानना है कि जो बंदा फिगर बना सकता है वो लैंग्वेज लिख सकता है। तो थोड़ा सा हम लोग इस लैंग्वेज पे फोकस करते हैं। इस लैंग्वेज में वो बोल रहा है कि प्रत्येक सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को एक साथ जोड़ा गया है और प्रत्येक सेल के नेगेटिव टर्मिनल को एक साथ जोड़ा गया है। बोलो भैया सही बोल रहा हूँ? हैं, अच्छा, प्रत्येक सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को एक साथ जोड़कर उसे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के एक सिरे से जोड़ा गया है और प्रत्येक सेल के नेगेटिव टर्मिनल को एक साथ जोड़कर उसे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के दूसरे एंड से जोड़ा गया है। कहानी समझ में आ रही है? क्लियर? तो मैंने 2 से 3 मिनट का समय दिया, फटाफट पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल पढ़ लो, फिर मैं आगे की बात करूंगा बेटा। चलिए देखते हैं, मैं बताता हूं आपको। क्वेश्चन में बेटा मुझसे बोल रहा है 5 सेल हैं, 5 सेल्स आर जॉइंड इन सीरीज टू फॉर्म अ बैटरी। वो कह रहा है एक बैटरी बनाने के लिए हमने 4-5 सेलों को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ रखा है। एक सेल ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ये टोटल कितने सेल हो गए बेटा? 5 सेल हो गए, और इन 5 सेलों को हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ रखा है। अब वो कह रहा है इसमें जो 5 सेल जुड़े हैं उसमें प्रत्येक सेल का ईएमएफ 1.2 वोल्ट बोल रहा है। हर एक सेल का ईएमएफ कितना बोल रहा है? 1.2 वोल्ट। और हर एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस हमको बोल रहा है वो 0.5 ओम। कितना बोल रहा है? 0.5 ओम। अब वो कह रहा है ये जो बैटरी है उसे हमने 57.5 ओम के एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जोड़ रखा है। तो कह रहा है कैलकुलेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। कैलकुलेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। क्वेश्चन समझ में आया आप सभी को बेटा? बोलो, मैं फिर से बोल रहा हूँ। वो कह रहा है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में 5 सेल जुड़े हुए हैं, ये मैंने 5 जोड़ दिए एक एक करके, है ना। हर एक सेल का ईएमएफ 1.2 वोल्ट है, हर एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम है। अब वो कह रहा है इस कॉम्बिनेशन को मैंने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जोड़ा है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू है 57.5 ओम। तो कह रहा है इस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है ना, करंट पूछ रहा है। तो भैया मुझे मालूम है कितने सेल, जब हमने सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ा था तो उसमें अपन ने कितने सेल जोड़े थे बेटा? एन सेल जोड़े थे, एन। अब वो पट्टा 5 सेल जोड़ रहा है, तो जाको मतलब बाने मुझे एन को मान दे दो 5। बोलो, तो मैं ये जानता हूँ आई बराबर होता है टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, तो टोटल ईएमएफ था एन ही सीरीज कॉम्बिनेशन में, बोलो भैया, और टोटल रेजिस्टेंस था आर प्लस एन आर। क्लियर? आगे भी अगर मुझे सॉल्व करना पड़े तो लानत है आप लोगों की ज़िंदगी पर, नहीं तो मुझे ऐसा लगता है वैल्यू मैंने लिख दी है। थोड़ा सा कैलकुलेशन मैं चाहूँगा आप स्वयं करो, करो और मुझे आंसर बताओ। चलो करो, ठीक है, करो फटाफट। चलिए, जिनका हो गया बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों का नहीं हुआ लुक एट द बोर्ड एवरीवन। आई इज इक्वल टू एन, एन की वैल्यू 5 है, ई की वैल्यू 1.2 है, डिवाइडेड बाय कैपिटल आर 57.5 प्लस स्मॉल एन इट इज 5, स्मॉल आर 58.5। सही बोल रहा हूँ? अठन्नी जानते हो? देखिए कभी अठन्नी जिंदगी में, देखिए पुराने जमाने में चलती थी,
पांच पैसा देखे, पांच पैसा दस पैसा ना देखे तो देखो का है तुमने फिर जिंदगी में, हाथ नीचे कर ले। तो आई बराबर डेसिमल वाले मल्टीप्लाई करना आते हैं क्या? आज पहली बार देख रहे हो हैं? 12 5 60, एक डिजिट के बाद डेसिमल है। सुना है डेसिमल के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं होता। जी है गए 57.5 5 5 25, एक डिजिट के बाद डेसिमल है, एक डिजिट के बाद डेसिमल। सीन क्लियर है बबुआ? बोलो बबुआ। तो आई बराबर ऊपर आएगा 56, नीचे 57.5 और ढाई 60। बोलो भैया 60। 6 1 6, 6 10 60, 1/10 सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा? 0.1 एम्पियर। सीन क्लियर है सभी को? फटाफट इसे नोट डाउन कर ले फिर आगे बढ़ेंगे। चलो तो अगला सवाल इसके बाद हम लोगों के सामने जो है वो ये कह रहा है, चार सेल हैं। कितने सेल हैं? चार सेल, टोटल चार सेल कह रहा है। और संग में ये भी बोल रहा है कि हर एक सेल का ईएमएफ 1.5 वोल्ट है। कितना है ईएमएफ? 1.5 वोल्ट, अच्छी बात है। और इंटरनल रेजिस्टेंस कह रहा है 2 ओम। ओके ठीक है भैया। आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू फॉर्म अ बैटरी विच इज यूज्ड टू सेंड करंट इन एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 1.5 ओम। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 1.5 ओम। कैलकुलेट द करंट, कैलकुलेट द करंट। सब लोग ध्यान से सुनिएगा बेटा, सभी लोग। वो ये बोल रहा है कि चार सेल हैं और चार सेलों को पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा गया है। अपन लोगों ने जब पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा था तो अपन ने कितने सेल जोड़े थे बेटा? एम सेल जोड़े थे, एम। तो इसका मतलब पट्टी ने एम की वैल्यू दे दी चार। बोलो भैया। अब कह रहा है चार सेलों को पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा गया है। जितने जो जो चार सेल थे ना उसमें प्रत्येक सेल का ईएमएफ इतना था, इंटरनल रेजिस्टेंस इतना था। और कह रहा है इन चार सेलों को मैंने 1.5 ओम के एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जोड़ दिया तो करंट कितना फ्लो होगा? तो भैया हमें ज़्यादा समझ में ना नहीं आवत, पर हमें बचपन में एक बात सिखाई दी यती। का बात सिखाई यती याद है तुम्हें? आई बराबर टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। सही बोल रहा हूँ भैया? आई बराबर टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। और हमने पढ़ा था चूंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर जगह वोल्टेज सेम रहता है तो ईएमएफ तो ई लिख दिया। टोटल रेजिस्टेंस जो होता है वो होता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता था आर, इंटरनल आपने याद हो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपने पढ़ा था आर 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 ओम के एम रेजिस्टेंस जुड़े थे तो आपने आर वाई एम लिखा था, राइट? क्लियर? फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, बैंड बच जाएगी, है ना? ठीक है, ऐसे ही करते हैं इसको। ठीक है, बात समझ में आई? डायरेक्ट फॉर्मूले से करोगे तो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो ई कितने के लाल आ रहे? ई तो ढेर है। आर कितने के? जीव ढेर है। स्मॉल आर कितने के? दुर्रानी। एम कितना है? 54। बोलो भैया कैलकुलेशन तो कर ली होगी? कहाँ पता कर ली कि ना कर ली, आग लगन दे तुम तो इतने देखो। 2 बन जाए 2, 2 2 जाए 4। तो आई बराबर त्याई है गई डेढ़ अपॉन डेढ़ 1/2। 1/2 बोले तो 98.5। बोलो भैया डेढ़ ढेड़ और 98 दो तीन कैसे हो जाएंगे प्रभा, क्या कर रही हो? ए मेरी मैया, डेढ़ और 98 दो होंगे, दो। सीन क्लियर है यहां तक सभी को? आगे बढ़ू? दशमल डेसिमल हटेगा, डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो एक जीरो बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी? नहीं बढ़ जाएगी। 5 3 15, 5 4 20। बोलो 3/4। ठीक है, अब ये बचा हमारा 3/4, यहीं डिवाइड कर लेता हूँ। 4 1 जा 4, जहाँ मैं ना जा रहा तो डेसिमल लगाए दो, जीरो बढ़ाए दो, कचू गलत कर दो मैंने लाला रे।
फोर सेवन जे 28, बचा कितना 2, डेसिमल लगा दिया फिर जीरो बढ़ा दिया तो 20 हो गया, तो 4 5 20, योर आंसर वुड बी 0.75 एम्पियर, 12 ना एम्पियर, क्लियर, समझ में आ रही है बात, 0.75 एम्पियर। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए, उतार लो। इसके बाद बेटा हमको वो अगला क्वेश्चन बोल रहा है पट्टा कि भैया ये कार का इंजन है, काय का इंजन है लाला रे, कार का इंजन गर्मियों में आसानी से स्टार्ट हो जाता है, जाड़ों में नहीं होता, जाड़े समझते हो, विंटर, ठंड, क्लियर है ना, क्लियर। पहले मैं जाड़ों को गर्मी समझता था जब छोटा सा था, तो खैर, तो जाड़े यानी ठंड, क्लियर, ओके। तो वो कह रहा है इट इज ईजियर टू स्टार्ट अ कार इंजन इन समर रेदर देन विंटर, यानी किसी भी कार के इंजन को सर्दियों के बजाय गर्मियों में स्टार्ट करना ज़्यादा आसान होता है। तो पूछ रहा है ऐसा क्यों, पहले तो आप बताओ क्यों भी हो तो गया तेल लेने, क्या वाकई ऐसा होता है? गर्मियों में तो इंजन गाड़ी का जल्दी स्टार्ट हो जाता है लेकिन सर्दियों में बहुत ठंड सी लग जाती है, काहे चाचे के देव ताके बाद वो चालू होते हैं, बोलो ऐसा होता है कि नहीं सर्दियों में? बोलो सर्दियों में तुम लोगों में भी तो किक देनी पड़ती है बढ़िया टक, नहीं तो बिस्तर पे धरे धरे लगे रजाई में सोत रहो आग लगन दो, बोलो होता है कि नहीं होता है ना? क्योंकि सर्दियों में इंजन आसानी से स्टार्ट नहीं होता लेकिन गर्मियों में इंजन आसानी से स्टार्ट हो जाता है गाड़ी का। तो पूछ रहा है ऐसा क्यों होता है? तो भैया क्यों भी हो तो बात करेंगे बाद में, पहले मुझे एक बात बताओ, जब आप किसी कार का इंजन स्टार्ट करते हो तो ऐसे ऐसे चाबी घुमाते, टी टी ऐसे घुमाते हो चाबी, तो आप बताओ जब चाबी घुमाते हो तो कई बार तुमने देखो होगा इंजन आसानी से स्टार्ट, गाड़ी हिनहिनाती है और फिर बंद हो जाती है, बोलो होता है कि नहीं होता है? गाड़ी कैसे हिनहिनाती है आपको मालूम है? हिनहिनाना जरा लिसन, तो क्या हुआ, हमने गाड़ी हिनहिनाती है तो जाहिर सी बात है आप बार बार इंजन को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं पर वो इंजन उठता नहीं है। पहले आप मुझे एक बार बताओ कि गाड़ी का इंजन स्टार्ट करने के लिए गाड़ी में ऐसी कौन सी चीज़ है जो रिस्पॉन्सिबल है, जिसकी वजह से गाड़ी स्टार्ट होती है? ज़्यादातर लोगों के मुँह से एक ही आवाज़ आ रही है, बैटरी, सही बोल रहा हूँ, बैटरी की वजह से ही तो गाड़ी स्टार्ट होती है, बोलो सही बोल रहा हूँ ना? जब गाड़ी उठना रही तो कहते बैटरी डिस्चार्ज है, ये बैटरी चार्ज करनी पड़ेगी, क्लियर है, होता है कि नहीं होता है ना? तो कुल मिला के गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए जिम्मेदार होती है बैटरी। वैसे बाय द वे बैटरी के अंदर क्या भरा होता है? इलेक्ट्रोलाइट, क्या भरा होता है? इलेक्ट्रोलाइट। अब वो कह रहा है कि सर्दियों के बजाय गर्मियों में कार का इंजन आसानी से स्टार्ट हो जाता है, क्यों? तो भैया कारण ये है कि सर्दी की बजाय गर्मियों में खास बात ये होगी कि गर्मियों में टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है गर्मी की वजह से उस इलेक्ट्रोलाइट का बढ़ेगा टेम्परेचर, और ये बात मैंने बताई थी इलेक्ट्रोलाइट्स का टेम्परेचर बढ़ाने पर उनका रेजिस्टेंस कम हो जाता है, और रेजिस्टेंस कम हो गया तो करंट ज़्यादा फ्लो होगा, और करंट ज़्यादा फ्लो होगा तो गाड़ी का इंजन आसानी से स्टार्ट हो जाएगा, समझ में आ रही है बात? तोमर साहब इधर देख लो, बतरा बाद में लेना है ना, क्लियर। तो यहाँ तक बात समझ में आई सभी को, क्लियर। सर्दियों की बजाय गर्मियों में कार का इंजन आसानी से क्यों स्टार्ट हो जाता है? तो आप बोलना गर्मियों में जो बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाने की वजह से उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाता है जिसकी वजह से करंट ज़्यादा फ्लो होता है, और करंट बढ़िया टकाटक फ्लो हो तो गाड़ी बढ़िया टकाटक स्टार्ट हो जाएगी, और गाड़ी बढ़िया टकाटक स्टार्ट हो जाएगी तो अपन लोग फिर चलेंगे तेगरा डैम घूम आएंगे, मौसम बढ़िया है, क्लियर, बारिश भी हो रही है आज, चलना है? चला चला चला, मम्मी पापा से चैंटना आज, ठीक है, कि हमें तेगरा ले जाओ, क्लियर, चलो ठीक है। तो जल्दी से फटाफट अगला क्वेश्चन पढ़ लो फिर आगे की बात करता हूँ। तो आगे की कहानी ये है, कहानी गई बाढ़ में, पहले आप मुझे एक बात बताओ, पूछूं
बांट समझते हो, बांट बांट, दो प्रकार के बांट होते हैं। मैं कौन से बांट की बात कर रहा हूं, तौलवे वाई की या भैंसन वाई की? तौलवे वाई की ना कर रहा हूं, भैंसन वाई की कर रहा हूं। हाँ क्लियर, बांट करना है भैंसन को, तो भैंसन को बांट करवे के लिए तुमने देखो होगा जैसे ही लपटाए दे दे दो हीटर पे, हीटर है ना, और जैसे ही हीटर चालू करते दो, हीटर चालू करने से पहले बल्ब जल रहा हो तो भक्काटे थे, और जैसे ही तुमने भाई साहब बापे लपटा दे दो और हीटर चालू कर दो, लट्टू और भगभगा के जलन लगाते हुए या डिम पच जाते है, डिम पच जाते है, सही बोल रहा हूँ ना, ऐसा होता है कि नहीं होता? ऐसा होता है ना। फिर तुम एकदम तो ओ भैया लोड बढ़ेगा, लोड बढ़ेगा, ऐसे चिल्लाते हो लोड बढ़ेगा, क्लियर होता है कि नहीं होता, है ना। ओके, कारण है कि जैसे ही आप जो क्या बोलते हैं हीटर जैसे ही ऑन करते हो तो वो एकदम से मेन लाइन जो होती है मेंस से वो ज़्यादा करंट ड्रॉ करता है ना, एकदम से करंट का अमाउंट बढ़ जाता है जिसकी वजह से मेंस के सिरों पर वोल्टेज कम हो जाता है और जो लट्टू होता है वो डिम पड़ जाता है। इसी तरीके से अभी डिटेल में समझेंगे हम लोग इसे, डोंट वरी। जैसे आपने देखा बांट जैसे ही आपने रखा और हीटर चालू किया तो बल्ब डिम पड़ जाता है, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर जब आप किसी गाड़ी के इंजन को स्टार्ट करते हो, गाड़ी में आप किक मारते हो और गाड़ी स्टार्ट करते हो तो जो गाड़ी की हेडलाइट है वो हेडलाइट हल्की सी डिम पड़ जाती है, तो वो हेडलाइट डिम पड़ क्यों जाती है? दोनों क्वेश्चन का जवाब एक ही है ना। वो पूछता है कि जब हम किसी गाड़ी के इंजन को स्टार्ट करते हैं तो उसकी हेडलाइट डिम क्यों पड़ जाती है, या मान के चलो हम हाई पावर हीटर को जब चालू करते हैं तो जो बल्ब होता है वो डिम हो जाता है तो क्यों हो जाता है, पूछता है वो, तो क्यों हो जाता है हम लोग बताते हैं। आर यू रेडी, लिसन, क्यों हो जाता है ऐसा उसका रीज़न समझें। आपको याद है मैंने दो तीन दिन पहले आपको एक रिलेशन लिखाया था, ये मैंने बोला था ये नोट्सों में नहीं होगा, अगर आपको याद हो तो ई बराबर वी प्लस आई आर बताया था, आई आर को इधर ले जाऊंगा तो इट बिकम्स ई माइनस आई आर इज इक्वल टू वी। सीन क्लियर है भैया सबको? बोलो, तो वी बराबर ई माइनस आई आर, कहानी समझ में आ रही है? बोलो भैया। अब एक बात अपने दिमाग में उतार लो, ठीक है, कि जब भी किसी मशीन को आप स्टार्ट करते हैं तो उसे स्टार्टिंग में सबसे ज्यादा करंट लगता है, उसके बाद जब वो रनिंग होने लगता है तो उसके बाद ज़्यादा करंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, कम करंट से भी काम चल जाता है। क्लियर है, समझ में आ रही है बात? ओके क्लियर। कोई भी मशीन जो होती है उसे ऑपरेट होने के लिए स्टार्टिंग टाइम पे करंट ज़्यादा लगता है और थोड़ी देर के बाद जब स्टार्ट हो जाती है मशीन तो उसके बाद उसे कम करंट की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर है, तो यहाँ पर गौर से देखिए क्या होता है, जब हम किसी गाड़ी के इंजन को स्टार्ट करते हैं तो इंजन क्या करता है, बैटरी से एकदम ज़्यादा करंट खींचता है, यानी करंट की वैल्यू बढ़ जाती है, हाई करंट खींचता है, ज़्यादा करंट खींचता है, और करंट अगर ज़्यादा होगा, आई की वैल्यू ज़्यादा होगी तो वी की वैल्यू कम हो जाएगी, ऐसे समझो, रुको ऐसे समझो, आप बताओ मुझे, जैसे मैंने ये लिखा है एक्स इज इक्वल टू 100 माइनस 2 इंटू 3, आप मुझे बता सकते हो x की वैल्यू कितनी है अभी? 94 कहना चाहते हो, क्योंकि 2 3 6, 100 माइनस 6 बोले तो 94, आंसर 94 आ गया, सही बोल रहा हूं? बोलो भैया। अब आप बताओ अगर मैं यहां 2 की बजाय 3 कर दूं, यानी इसकी वैल्यू बढ़ा दी मैंने, तो 3 3 9, 100 में से 9 गया तो ये 91 हो गया, बोलो x की वैल्यू कम हो गई अब, है ना, 94 से 91 रह गई, कब x की वैल्यू कम कब हुई, जब आपने इसे बढ़ाया, यही फॉर्मेट तो है, देखो बोलो, अगर मैं इसे बढ़ाऊंगा तो v की वैल्यू कम हो जाएगी, बात समझ में आ रही है? तो कोई भी मशीन जब आप स्टार्ट करते हो तो वो स्टार्टिंग में इंजन से सबसे ज़्यादा करंट, सॉरी बैटरी से सबसे ज़्यादा करंट खींचती है, जिसकी वजह से बैटरी के टर्मिनल्स पर वोल्टेज की वैल्यू या मेंस पर वोल्टेज की वैल्यू कम हो जाती है, जिसकी वजह से गाड़ियों की हेडलाइट डिम पड़ जाती है और बल्ब भी डिम पड़ जाते हैं। क्या आपको मेरी भाषा समझ में आई? क्लियर, मैं एक बार फिर से बोलता हूँ, जब भी आप किसी गाड़ी के इंजन को स्टार्ट करते हैं तो हेडलाइट डिम इसलिए पड़ जाती है
कि जैसे ही आप इंजन स्टार्ट करते हैं तो वो बैटरी से ज़्यादा करंट खींचता है, तो करंट ज़्यादा खींचेगा तो बैटरी के टर्मिनल्स पर वोल्टेज कम हो जाएगा, जिसकी वजह से गाड़ी की हेडलाइट कम हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? इसी तरीके से सेम आप किसी हाई टेंशन हाई पावर हीटर को जब ऑन करते हैं तो वो क्या करता है, जो मेन लाइन है वहाँ से करंट ज़्यादा खींचता है, करंट ज़्यादा खींचता है इसलिए मेंस पर वोल्टेज कम हो जाता है, और वोल्टेज कम हो जाएगा इस वजह से बल्ब जो होते हैं वो कैसे पड़ जाते हैं, डिम पड़ जाते हैं। कहानी समझ में आ रही है आप लोगों को? ये दो क्वेश्चन हो गए आपके, फटाफट निपटा लो। एक बात और लगी याद बता देता हूँ, सुन लो उसको भी। आपके घरों में जो करंट फ्लो होता है, मालूम है आपको कितने एम्पियर का करंट फ्लो होता है? ये याद रखने वाली चीज़ें हैं। हमारे घरों में 5 एम्पियर का करंट फ्लो होता है, और हमारे घरों में जो वोल्टेज सप्लाई आती है वो 220 वोल्ट की होती है, ठीक है? याद रखने वाली चीज़ है 220 वोल्ट। और एक और बात, हमारे घरों में जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज होते हैं, कूलर, पंखा, टीवी, वॉशिंग मशीन, जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज होते हैं वो सब पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़े जाते हैं। वेरी गुड रोहिणी, राइट आंसर, क्लियर, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़े जाते हैं। बात समझ में आ रही है सभी को? तो फटाफट ये दोनों तीनों चीज़ें पढ़ लें, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। डू इट फास्ट, ओके? तो फिर आज के लिए पर्याप्त है, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।